your spirit up above all. मेरे सारे दोस्त थे, इतना सुनते ही उनकी फट गई। ठीक है, फटने का कारण इसलिए था क्योंकि उनको कंफर्म हो गया था कि ये बंदा अब यूपीएससी निकाल लेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, बंदे का रीबाउंड कराना पड़ेगा। ठीक है, और अपन तैयार है, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला रीबाउंड। ठीक है, तो रीबाउंड मतलब सेक्स नहीं भाई, मतलब हुकअप। ठीक है, वैसे आई डोंट माइंड। ठीक है, तो उन्होंने कहा, आइडिया दिया कि फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट कर, स्टेज पे जा, और स्टेज पे जाते ही वीरस सुना दियो। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि बीसी में सबको हुक्ड अप है। ठीक है, तो बंदों के अंदर इतना नेशनलिज्म भर दो कि वो अपनी बंदी को बोल दे ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तब अपन वहाँ रहेंगे बोलने के लिए कि मैडम एक्सेप्ट यू। फिर क्या, ये लड़की पटना कन्फर्म है। तो एक प्रयास है आप लोग के अंदर। तो यहाँ सब जेई की तैयारी करके आए हैं, मैंने भी की थी आईआईटी की, हुआ नहीं आईआईटी में सिलेक्शन। तो लेकिन मैं 2 साल दिल्ली में रहा था, उसका एक है, हम लोग, मैं और मेरा दोस्त घूमने गए थे बाहर कि भाई हम लोग क्या खाएं क्या खाएं, हम लोग सोच रहे हैं क्या खाएंगे। दोस्त भाई, तो हम लोग क्या खाएं, हमारे बगल में खड़ी थी एक टिपिकल मॉडर्न माँ, उसके साथ उसका टिपिकली मॉडर्न बच्चा। माँ पूछती है बच्चे से, बेटा व्हाट डू यू वांट टू हैव। बच्चा इतू सा, हम बैठ जाए तब भी मेरे हाइट का नहीं आए, वो बोलता है आई वुड रियली लव दैट वैनिला चॉको डिप। आराम से वो उतनी सी उम्र में जो ये लाइन बोल रहा है, मेरी नाक बहती थी तो मैं कटक जाता था, उतनी सी उम्र में मैं बिस्तर गीला करता था। एक मोमेंट में मुझे पता होता था कि बिस्तर गीला हो रहा है, फिर भी मैं होने देता था। तो ये तो थे दिल्ली की माँ। मेरी माँ बहुत चिल है, इतनी चिल है कि एक दिन मैं सॉफ्टी खाने गया, और मुझसे पूछा बेटा क्या हुआ,
मैं तो पहले से ही उदास था भाई, मैं क्या बोलता। फिर से पूछा, बेटा क्या हुआ? बता दिया मैंने जो हुआ, चाचा मैं फेल हो गया। चाचा को चुल पड़ी तो उन्होंने बोला कि तुमसे कुछ नहीं होना था भाई, मुझे पहले ही पता था तू फेल होगा। तो मैंने भी चाचा को सुनाया। कैसे सुनाया? अरे ओ चाचा, आओ चाचा इधर आओ। जो मैंने उनको सुनाया वो मैं आपको भी सुनाने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ इंडस सीरीज की अच्छी बातें, मोटिवेशन की बातें। मैं ओम प्रियदर्शी आज आपके सामने एक जवाब लेकर आया हूँ, जवाब उन लोगों को जिन्होंने हमें हमेशा नीचा दिखाया था, जवाब उन लोगों को जिन्होंने हमें गिराना चाहा, जवाब उनकी बातों को, उनके शब्दों को। कॉफी लगा दे मेरे में भी लगा दे, दाग लगा। ये होता है, अब बात करते हैं शादी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, डांस। हम लोग इतने टैलेंटेड हैं, ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज करते हैं। क्या होता है कभी कभी गली से गुजर रहा होता है बारात, रोड से गुजर रहा होता है, गड्ढा वड्ढा आता है, हम लोग डांस करते हैं। जिमी 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 आजा आजा आजा, जिमी 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 आजा आजा, गिरना नहीं। अब क्या होता है, नाचते नाचते गड्ढा आ गया, अब वो इम्प्रोवाइज करता है, जिमी 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 आजा आजा आजा। अब गोबर आ जाता है, जिमी 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 आजा आजा आजा। कभी कभी क्या होता है कि जो लड़का का गाड़ी होता है उसमें लाके लड़के के दोस्त सब बैठ जाते हैं, सब पियते हैं, और लड़का अपने दोस्त से ही इन्फ्लुएंस्ड है। वो जहाँ दोस्त जहाँ पढ़ते हैं लड़का वहीं गाड़ी में पहुँचता है, और वो लोग डांस करते करते एक दो पैग मार लेते हैं, और दोस्त आके बताते भी हैं। अब लड़का गाड़ी खड़ा है, उसका दोस्त सब नाच रहा है पी के, दोस्त निकला नाच रहा है वो पी के आया, वो अपने दोस्त को बताने आता है, भाई एक मार लिया। फिर गया, फिर एक पैग मार, फिर आता है भाई। Thank you.